सो हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो माई सेल्फ स्नेहा एंड आई मेक वीडियो अबाउट फैशन, लाइफ स्टाइल, मेकअप। सो टूडे आई एम डूइंग दिस क्रीज आई मेकअप लुक। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस मैक प्रेप प्लस प्राइमर एसेंशियल ऑयल। सो मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स को अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और बहुत ही हल्के हाथों से अपने फुल फेस पे मसाज कर लूँगी। सो गाइज, मैंने मॉइस्चराइजर को स्किप कर दिया क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी है तो शायद मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं स्टक रहेगा। तो अगर आप चाहें तो आप मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस CVB फेस प्राइमर। सो मैं अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और बहुत ही हल्के हाथों से अपने फुल फेस पे मसाज कर लूँगी। आपके पास जो प्राइमर हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस Maybelline फिट मी फाउंडेशन। मेरा शेड है 125 नेचुरल बेस। ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा शेड है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, कोई भी हैवी इफेक्ट नहीं देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई फाउंडेशन को अप्लाई किया है। सो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से फुल फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्विच ब्यूटी कंसीलर। सो मैं इसे अच्छी तरीके से अपने अंडर आई, नोज एंड जो भी डार्क पिगमेंटेड एरिया है वहाँ आप अप्लाई कर लें। सो अगेन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। सो ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है अंडर 200 के, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। सो आई लव दिस कंसीलर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस Maybelline फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। सो मैं इसे एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से अपने फुल फेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो मुझे अपनी आईब्रोज फिल करनी है और मैंने इस तरह अपने जादू के साथ उसे फिल कर दी। अब बारी हमारे आईज मेकअप की। तो फर्स्ट टाइम यूजिंग लाइट ऑरेंज कलर, क्योंकि सबसे पहले हमें लाइट कलर का आई शेडो यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम नेक्स्ट जो भी आई शेडो कलर यूज़ करेंगे वो काफ़ी पिगमेंटेड रहेगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया है डार्क ब्राउन क्योंकि मुझे कटक्रीज या करनी है तो फिर मैंने थोड़ा डार्क इफेक्ट दिया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लैक आई शेडो कलर एंड देन मैंने यूज़ किया है स्विच ब्यूटी का कंसीलर कटक्रीज तैयार करने के लिए। मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने व्हाइट कलर का आई शेडो यूज़ किया है जिससे मेरी कट क्रीज काफ़ी पिगमेंटेड। सो मैंने ऑफ कैमरा सेकेंड आई का मेकअप भी कर लिया था। सो लुक लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग ब्लू हेवन आईलाइनर। सो मैंने अपनी दोनों आईज पर अपना आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। तो मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस अप्लाई कर ली थी क्योंकि कैमरे में आईलैशेस अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस चिक टेंट। ये मैंने घर में बनाया था, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से बना के दिखा दूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बना के दिखा दूँगी। सो मैंने इसे अपने फुल चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। बहुत ही अच्छा पिगमेंट देता है, काफ़ी ग्लोसी ड्यू इफेक्ट देता है। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस मियोन हाइलाइटर। आप इसका पिगमेंटेशन देखो कितना प्यारा है। सो मैं इसे अपने ऑल फेस के हाइलाइट्स पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी। तो अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं थोड़े से नेक पे लगाऊंगी जिससे थोड़ा शाइनी और पार्टी इफेक्ट दे। तो उसके बाद मैंने आईज के इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई किया था। अब बारी है लिप्स की। सो मैंने लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप्स को शेप दी थी एंड उसी से फिल कर लिया था। उसके बाद मैंने फिक्सर यूज़ किया था स्विच ब्यूटी का जो कैमरे में नहीं आया है। सो सॉरी फॉर दिस। I hope you enjoyed this video. If you like this video, don't forget to like, subscribe, share and comment, and love you all.